हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन्हीं दोनों जो दोनों रिकमेंडेशन थे 1957 के और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसको लेकर के हम लोगों ने कहा आप इसको उस बोर्ड का मेंबर उसका, और उसमें हम लोगों ने बहुत मतलब आसान नहीं था क्योंकि हमने जब तय किया तो जितने मालिक थे वो सब चले गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में हारे चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी 31 अक्टूबर 2000 को हारे, तब जाके ये न्यूनतम मजदूरी तय हुई। तो मुझे लग रहा है कि आज पूरे देश में आप जैसे मैंने महाराष्ट्र का ऑर्डर लिखा, आप आसाम में हमारे साथी बैठे हुए हैं, 248 अपनी जो सांस लेने वाले फेफड़ों में डस्ट भरा जा रहा है, ये वाला जो धूल अपन सांस ले रहा है वो तो अलग अलग निकास हो रहा है, डस्ट का इंजन वहाँ का वर्किंग कंडीशन कैसा है, यदि खुले में काम करते हैं सूखे पत्थर में काम करते हैं तो वहाँ धूल की मात्रा ज्यादा रहेगी, अंदर जो पत्थर ये मिट्टी डालने वाले लोग हैं तो हद तक बदला है मिट्टी डालना, लेकिन फिर भी काम करते हैं और जो मात्रा उसमें जो जाती है उसके हिसाब से होता है। एक ही रहता है कि आपको एक सप्ताह काम करते मैंने गुजरात मध्य पश्चिम मध्य प्रदेश में देखा है, बिहार भागुआ बड़वानी अलीराजपुर में, कि वो लोगों ने पत्थर पीस करके जो पाउडर बेचते हैं जो अलग अलग कांच बनाने के काम आता है, जिसका जो अपन आटा चक्की जैसे बनाते थे पहले पकड़ के बैठते थे, एक सप्ताह व्यक्ति ने काम किया तो वो 1 से 3 साल तक या मतलब खत्म हो गया, एक सप्ताह जिसने काम किया, क्योंकि और भी डस्ट का है अलग अलग प्रकार की वो PPM के जो पार्टिकल होते हैं वो बनते हैं, उसका अलग अलग उपयोग होता है, जो फाइन डस्ट होती है तो यदि वो एक सप्ताह भी काम करता तो वो इतने अंदर चली जाती है। हमने दूसरा तरीका अपनाया था जिसमें त्रिपक्षीय समिति शामिल होगी और सरकार की भी, जब तीनों प्रतिनिधि शामिल होते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक मौके, सबसे पहले तो ये एक प्रजा मतलब डेमोक्रेटिक तरीका हो जाता है मीटिंग करने का, दूसरा आपके पास लड़ने का तरीका। आप इधर आओ ना, सब चर्चे बाद में करना है, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, राजस्थान से भी वैसे तो आते हैं, लेकिन राजस्थान से जो लोग हैं, राजस्थान से लोग आप भी इधर आओ, जो यूपी और बिहार से खासकर जाते हैं, और मैं माफी चाहता हूँ, कई जगह मुझे ये बोलना पड़ता है कि उनके उनके परिवारों के बच्चे 8-8, 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं और बच्चे उनके पाँव में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर ऐसे कुछ नहीं कर सकते भाई इतने बच्चे पैदा करने को क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे नंगे वो घूम रहे हैं, कई बार तो ऐसा है कि कोई भी यूनियन है कोई संगठन है वो फंड से चलता है, कहीं कोई ज़्यादा लेकर तो कम देता है, तो जब हम कई बार उनके बच्चों को नंगे पाँव देखते तो हम क्या ये इनसे क्या फंड काटे हैं, कई बार तो जेब से उनको देना पड़ता है, लो भाई तुम इनको चप्पल तो ला कर दो यार कम से कम। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे साहब ने बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, खराब हमारा फर्ज हमारी जिम्मेदारी है, शहर है जहाँ मीटिंग हो रही है दुनिया के वित्तीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय, 2,500,000 करोड़ हमारे ऊपर कर्ज है देशी, 4 गुना ज़्यादा, आदमी ने तो सच्ची बात कह दी कि हम फकीर हैं झोला उठाएंगे चल देंगे, बाकी आप जो कुछ भी कर ले उसको आगे कुछ भी नहीं करना है, कि हम लोग कहाँ बचेंगे कितना कोलैप्स करेंगे,
और जो लोग मुगालते में, खासतौर से देश का मध्यम वर्ग जिस मुगालते में है थोड़ा खाता पीता, वो सबसे ज़्यादा बड़ी मार उसी पे पड़ेगी। मैं पब्लिकली वहाँ नहीं बोल सकता था, मैं सवेरे ऐसे ही दिन ये जो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल का जो ऑफिस है ना, उसके सामने लोग सोए हुए थे खुले आसमान के नीचे। बाद में गार्ड हो गए, फोन नहीं छीना, फोन से डिलीट कर दिया मेरा फोटो। मैंने फोटो खींच, पैदल आ रहा था, मैंने फोटो खींच ली, कुत्ता भी सोया हुआ था और लोग भी सोए थे उनके सामने, लेकिन वो देख रहा था और अंदर तक वो नहीं उनको, और आगे और गार्ड उनके आए, पुलिस की बैंड भी आ गई, उन्होंने लेकिन खैर डिलीट कर लिया उसने के बाद खत्म। फोटो खींचना अपराध है, और मैं वही सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा क्लिक कर रहा था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वो बोर्ड भी आ जाए। ये हालात हैं इसी दिल्ली में, जो गैग पूरी देश की निगरानी रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। उसके दरवाजे पे लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो हम लोग अपने अपने विचार रखें, 15 मिनट में हम लोग को अंदर जाना है, कुछ चीज़ें ये साथी नोट कर रहे थे कि वहाँ हम लोग रखेंगे।